पहले डिफरेंसेस ठीक है। सो डियर 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 स्टूडेंट्स, जरा काम कर लीजिए तगड़े होकर। हमारा सबसे पहले तो आज कौन सी डेट है, 23rd, पहले तो आप मास और वेट में डिफरेंसेस नोट कर लीजिएगा बेटा, और उसके बाद हम चलते हैं आगे। कुछ मुझे यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेंट्स, हाँ जी यस, मास एंड वेट। बेटे आप में से कोई बच्चा मास के बारे में कुछ जानता है? इट इज अ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और वेरी नाइस, बहुत बढ़िया वेरी नाइस। अब ये वाले पॉइंट्स को मैं एक बार सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, आपके ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बन जाएंगे। ठीक है जी, पहला, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे बेटे, वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छे से आता है। मास जो है इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, किसी बॉडी में कितना मैटर कंटेन्ड है उसको मास कह देते हैं। और जो वेट है इट इज, हाँ बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, डिफाइंड एज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां बच्चों आप जिस प्लेनेट की बात कर रहे हो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, चले आगे जी। मास जो है इट इज, एक मिनट भी एक मिनट काले मत पड़िए, डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और वेट इट इज गिवन बाय, लिख देता हूं डिनोटेड नहीं लिखता, गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इनटू जी, राइट। और मास बच्चों जो है इट इज ए, देखो आपको कितना अच्छे से आता है, वह पेपर में बताने क्या कर जाते हो, स्केलर क्वांटिटी। आपकी आवाज आ रही है हर कीरत सिंह, हर नूर के हर कीरत, अच्छा तो नहीं है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल बहुत बढ़िया वेरी नाइस। मास जो है इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वेट कॉन्स्टेंट रहता है, यस, इट चेंजेस, बहुत बढ़िया, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मास को आप, इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम, और वेट को, वेरी नाइस, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। ठीक है जी, हाँ वो भी लिखते हैं, आप चिंता क्यों करते हो, सब लिखेंगे, आपको पॉइंट्स अच्छे से आते हैं लेकिन पेपर में नहीं आप लिखते, पता नहीं क्यों ऐसा करते हो, पेपर में भूल जाते हो शायद आप। हाँ जी, नहीं नहीं बेटे नहीं करता। आगे है
मास कभी नेगेटिव हो सकता है, वेट हो सकता है, यस लिखिएगा, मास कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो भी नहीं हो सकता ना, और जीरो ऐसे कर दें, क्या कहते हो, है ना, वेट कैन बी जीरो और नेगेटिव। अच्छा बेटे वेट जीरो कहां पे होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कल पेपर में प्रूव क्यों नहीं किया, पता ठीक रहे हैं, प्रूव नहीं करते, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं आप। सेवंथ है, मास इज मेजर्ड विद द फिजिकल बैलेंस और वेट इज मेजर्ड विद द स्प्रिंग बैलेंस, इट इज मेजर्ड विद फिजिकल बैलेंस। आपने फिजिकल बैलेंस देखा है सबने, कहां, कौन सी शॉप पे, अब नए वाले तो कैलिब्रेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर आप फ्यू इयर्स बैक चले जाओ तो एक तरफ वो बट्टा डालते थे 1-2-3 किलोग्राम का, वो उसी को बोलते हैं, यस तकड़ी वाला, बिल्कुल ठीक, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो सिंबल भी है, हाँ जी है, एस ए डी क्या होता है, हाँ यस आपको पता है, पॉलिटिकल नॉलेज भी रखते हैं। सो सेवंथ इज विद अ गुड गुड, वो जो एग्जैक्टली आप तकड़ी कह रहे हो ना उसी को फिजिकल बैलेंस कहते हैं, ठीक है जी, और हाँ 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 नहीं करेगा नहीं करेगा, इट इज मेजर्ड विद ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस तो आपने नहीं देखा होगा, देखा है कहाँ, अच्छा लैब जाया है वो आप, लास्ट ईयर देखा था, चलिए याद रखिए फिर, एक मिनट, नेक्स्ट वीक मुझे याद दिलाना, आपको प्रैक्टिकल भी 1-2 करवाने हैं, तो जिस दिन हमारा पीरियड होगा ना मुझे थोड़ा सा एक दिन पहले कोई बच्चा आके बता जाना, आई विल हैव टू अरेंज समथिंग इन द लेबोरेटरी, तो मैं अरेंज करके रखूंगा, फिर हम अकॉर्डिंगली अपना प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है जी। ये पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है, पेपर में लिखा भी करो पुत्र, ठीक है, चले आगे, अब रब कर दूं ये सारा, आप नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर, हाँ जी सर, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है आपने मास का, इट इज इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड सर वेट का सर फिफ्थ पॉइंट, इट वेट का इट इज मेजर्ड इन न्यूटन, ओके सर, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका बेटा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा है तब वो नेगेटिव होगा, या आपने कोई चीज अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की है वो अपवर्ड मूव कर रही है लेकिन जी नीचे को है, ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी भी वो आप ऐसे कह सकते हैं। चले आगे पुत्र, स्मॉल जी और कैपिटल जी में फर्क भी लिखेंगे, आइए देखें क्या फर्क है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड, ठीक है ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, और बेटा चलिए चलिए यही पॉइंट्स हैं बेसिकली, तो इनको सिस्टमेटिकली लिख लें, वो नहीं आया बच्चा है,
मुझे गलती लग रही है, मुझे लग रहा है किसी और क्लास की बात कर रहा हूँ, आपकी क्लास में तभी मैं इसको भी, मुझे गलती लग रही, मुझे मुझे लग रहा है स्मॉल जी इट इज बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, और कैपिटल जी क्या है पुत्र? वेरी नाइस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है ना बच्चों। स्मॉल जी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? नहीं नहीं वैल्यू कह रहा हूं मैं, और कैपिटल जी का वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स स्मॉल जी के यूनिट्स क्या होते हैं और बड़ी वाली जी के? यस बिल्कुल ठीक। कैसे? हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया वेरी नाइस। स्मॉल जी इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या प्लेनेट टू प्लेनेट कह लो, लेकिन कैपिटल जी यस इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लिख सकते हो आप, मैं लिखूंगा नहीं लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और स्मॉल जी और वो चेंजेस में आ जाएगा, वो तो चेंज करता रहता है और ठीक है। ये बेसिकली न्यूटन ने काम किया था एक्सेलरेशन डी टू ग्रेविटी फ्री फॉल का, तो दैट क्रेडिट मे बी गिवन टू। हाँ जी पुत्र जी कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, कैपिटल जी कैन कैपिटल जी बी जीरो? और कोई पॉइंट आता है आपके माइंड में? इसमें आ जाएगा वो चेंजेस में आ जाएगा, जी कैन बी जीरो स्मॉल जी, कैपिटल जी जीरो नहीं हो सकता है ना। चले आगे, नहीं कर लीजिए फटाफट कर लीजिए बेटे, फिर एक छोटा सा टॉपिक आपको बताएं और चैप्टर फिनिश करें। हो गया हा? कौन सा पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं देन। देन बेटा हमारे पास लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, आप अपना सिलेबस देखते होते हो कि नहीं? आपके ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने, कभी कभी देख लिया करो टाइम मिले तो, बेटर होता है अच्छा होता है ठीक है। आपके और मैसेजेस बहुत आते रहते हैं, सिलेबस का नहीं आता कभी भी ठीक है जी। सिलेबस आज जाके सारे बच्चे एक बार पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे और अगले हफ्ते बात करेंगे फिर आपने क्या देखा सिलेबस में। सो आओ बच्चों लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फ्री फॉल। हैव यू एनी आइडिया रिगार्डिंग फ्री फॉल? व्हाट डू वी मीन बाय फ्री फॉल? एक एक बच्चा बोली ऐसे मुझे पता ही नहीं चल रहा आप क्या सर। हाँ जी बेटे वेरी गुड, एनी अदर पॉइंट यू वांट टू सजेस्ट? वेरी गुड, और
दोबारा बोलेंगे, ठीक ठीक ठीक, इधर आप, दिस चाइल्ड प्री फॉल से क्या समझते हैं आप? बैठो मैं समझा देता हूं। ये एक पीस ऑफ चॉक मेरे हैंड में है, नीचे मैंने अपना दूसरा हैंड रखा है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, धक्का नहीं दूंगा, सिंपली छोड़ दिया। इट इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, रास्ते में इसको रोक लिया गया, अगर नहीं रोकिए तो ये अर्थ के सरफेस पे जाके गिर जाएगा। फिर से देखिएगा ध्यान से, पीस ऑफ चॉक है, ड्रॉप कर दूं, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन मूव करना अलाउ करते हैं, थ्रो नहीं करना, ऐसे धक्का नहीं लेना इसको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप एंड लेट टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, दैट इज कॉल्ड बेटा फ्री फॉल। सो एक और फ्री फॉल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम एटमोस्फेरिक एयर का इसको इमेजिन ना करें, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो एटमोस्फेरिक एयर इसके इसको रिजिस्ट करती है नीचे आने से, इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स, बॉयंट फोर्स, आपने कभी सुना होगा बॉयंट फोर्स, चलिए कोई बात नहीं करेंगे बात कभी। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो एयर उसको आसानी से नीचे आने नहीं देगी, थोड़ा उसके मोशन को अपोज करेगी। अगर एयर को इग्नोर कर दें तो आप चाहे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ले लें चाहे छोटा ले लें, वो सेम टाइम पे अर्थ पे गिर जाएंगे। कोई आप हैवी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई लाइट ऑब्जेक्ट ले लो, लाइट ऑब्जेक्ट आप एक बर्ड का फेदर ले सकते हैं, किसी पंछी का एक फेदर ले लीजिए आप छोटा सा, और फेदर सॉरी, और हैवी ऑब्जेक्ट में आप 1 किलोग्राम का वो ले लीजिए, ब्लॉक ले लीजिए, उन दोनों को ड्रॉप करोगे अगर वैक्यूम में तो सेम टाइम पे गिर जाएंगे। सो इन दिस वे, अदरवाइज प्रैक्टिकली नहीं गिरेंगे बिकॉज एयर की प्रेजेंस इनके मोशन को अफेक्ट करती है। तो बात कर रहे थे फ्री फॉल की बेटा, फ्री फॉल जो है ये है क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल under the effect of gravity alone, comma, it is said to be falling freely। अच्छा बेटे एक बात और ध्यान से देखिएगा समझिएगा, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किया था ना, अब देखिएगा इस चौक के पीस को, u कितना है, a कितना है, g, और v निकल जाएगा, t भी निकल जाएगा, इसका मतलब है फ्री फॉल में एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, ठीक है, फ्री फॉल में आपका एक्सेलरेशन स्मॉल a g से आप रिप्लेस कर दो। और आपने एक और भी तो किया हुआ है s और फ्री फॉल में क्या हो जाएगा, यस, और एक और भी तो कर रखा है आपने, और फ्री फॉल में क्या हो गया, ये एस भी कह सकते हो एच भी कह सकते हो, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है कि आप कोई लाइट ऑब्जेक्ट ले लें, हैवी ऑब्जेक्ट ले लें, अगर आप एयर को इग्नोर कर दोगे तो दे विल फॉल साइमल्टेनियसली ऑन द सर्फिस ऑफ द अर्थ, और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी अलोन
मूव कर रहे हैं और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दैट्स व्हाई दे विल बी रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम, राइट। तो ये मेरी तरफ से थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है दिस फिनिश्ड बेटा। बाकी आप कुछ कह रहे थे समझने के लिए, मुझे बता दीजिए, मैं समझा देता हूँ। बोलिए, डेप्थ वाला सारे ही करवा देने, कोई बात नहीं। डेंसिटी क्यों ली आप, डेंसिटी क्यों नहीं लेना चाहते? अच्छा जी, फिर क्या हुआ? इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, डेप्थ वाला जो आप कह रहे हो ना, ध्यान दीजिएगा जरा, ये आपका अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे आपने छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, आप ही बैठी हो मान लो, ठीक है। इस केस में आपके और अर्थ के बीच में डिस्टेंस आर के बराबर है, सेंटर के बीच में मास ऑफ द अर्थ बड़े वाला एम है, आपके मास को छोटा एम कह दें, है ना बेटा, और स्मॉल जी अर्थ की सरफेस पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, एक 50 किलोमीटर डीप वेल बनाया, बहुत होता है 50 किलोमीटर बनेगा नहीं इजीली, 50 किलोमीटर का मतलब आप समझते हैं यहां से लेकर करीब करीब कहां तक, हाँ लुधियाना तक, करीब करीब अंदाजे से कह रहा हूं, इतना डीप एक वेल आपने बनाया, बनेगा नहीं, बड़ा मुश्किल होगा। यू नो दैट कि जो डीपेस्ट ड्रिलिंग की गई है अर्थ की सरफेस में, कहाँ पे की गई है, कितना सबसे ज्यादा लेंथी वेल बनाया गया है, डीप वेल बनाया गया है, किस कंट्री ने बनाया है, हाँ नहीं, रशिया में उन्होंने एक वेल डीप बनाया था, 50 किलोमीटर की हाइट तक, डेप्थ तक वो पहुंचे थे। उसके बाद डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं, अर्थ के अंदर टेम्परेचर भी है, कहीं पे कुछ मॉल्टन मैटर भी है, और कई बार अदरवाइज जब आप इतना डीप जाते हैं तो प्रेशर की वजह से वो वेल अपने आप को एडजस्ट भी कर लेता है, तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है। सो कहीं न्यूज़ में पढ़ा था कि रशिया ने 50 किलोमीटर डीप तक एक वेल फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च बनाया हुआ है, तो मे भी कुछ अपना वो अकॉर्डिंगली मैनेज करते होंगे। अब मान लीजिए 50 तो 6400 के कंपैरेटिवली इतना ही होगा, इससे भी कम होगा। आप पहुंच गए यहां पे, रिसर्च कर रहे हैं आप, है ना, अब आप सिर्फ इतनी अर्थ का इफेक्टिव मास आप इस स्फीयर के सरफेस पे हो, इसके सरफेस पे तो नहीं हो, इसीलिए आप जब डेप्थ तक मास निकालोगे, आप जी निकालोगे, आप मास नहीं यूज कर सकते, आपको डेंसिटी की टर्म्स में इसको बदलना पड़ेगा। दिस इज द रीजन, फिर से सुनिएगा, जब तो आप सरफेस पे हैं, अर्थ का मास आप ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऊपर जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आप नीचे जा रहे हो, आप यहां पर चले गए हो, तो आपका इफेक्टिव रेडियस तो अब इतना रह गया ना, है ना बच्चों, तो आपका इतने हिस्से का मास अब एम तो नहीं हुआ, अर्थ के मास के बराबर तो नहीं हुआ, कम पड़ गया ना, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी ओनली। इसको याद रखिएगा बेटे इस पॉइंट को। तो आप एवरेज डेंसिटी अर्थ की मास अपॉन वॉल्यूम लिखा करते हो, मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बेटे वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, आईआर क्यूब, इसको यहां पे पुट कर दें तो आपके पास जी आ जाएगा, कैपिटल जी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो, ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं,
स्मॉल जी आ गया 4/3 पाई जी आर रो, चेक करिएगा। अब आप डीप चले गए हो, आप डी डेप्थ तक नीचे चले गए हैं, तो ये इफेक्टिव रेडियस आर माइनस डी बच गया जी, है ना। तो आपका जी एट ए डेप्थ डी 4/3 पाई जी, क्या लिखूं इसको, दो नंबर बोल रहे हैं, टू को आप वन से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आएगा जी एट ए डेप्थ डी डिवाइडेड बाई जी ऑन द सरफेस, ये आ गया जी आर माइनस डी इंटू रो, ये आ गया, सब कट गया, आर माइनस डी अपॉन आर बच गया, और ये आ गया आर आपने कॉमन लिया, ये आ गया, ये भी खत्म हो गया, यहां से आर आपने कॉमन निकाल लिया, यहां तो था वन बच गया, यहां पे आर था ही नहीं, आप कॉमन निकाल रहे हो, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा आर से। अगर नहीं ऐसे पता चले, कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, आप इसको आर को अंदर ले जाइए अपने मन में, आर को वन से मल्टीप्लाई करोगे आर वापस मिल गया, आर को इससे मल्टीप्लाई करोगे डी वापस मिल गया, दैट्स इट, ठीक हो गई बात, चलें आगे। तो जी एट ए डेप्थ डी डिवाइडेड बाई जी वन माइनस डी बाई आर आ गया जी, छोटी डी को उस तरफ ले जाइए, स्मॉल डी को आपका आ जाएगा, इधर लिख दो जी एट ए डेप्थ डी इज वन माइनस डी बाई आर इंटू जी। कल एक बात और कर रहे थे हम, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेट जीरो कैसे प्रूव करना है, उसके लिए मैं करूंगा दो स्टेप्स, देखिएगा ध्यान से। अरे थक तो नहीं गए, थके थके लग रहे हैं आप लोग, सो आइए देखें, इसको मैं दोनों तरफ मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई कर दूं, आपके पास आएगा मास जी एट ए डेप्थ डी जी ऑन द सरफेस, ये आ गया, ये आपका वेट है, वेट एट द डेप्थ डी वेट ऑन द सरफेस, ये आ गया। जब आप अर्थ के सेंटर पे चले जाते हैं तो डी कितना हो जाता है, ना ना ना, आर माइनस डी कैसे, आर, यही पॉइंट था, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आप कितना नीचे चले गए हो, डेप्थ रेडियस के बराबर नीचे चले गए हो, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वेट एट ए डेप्थ डी इक्वल टू द रेडियस, ये सेंटर ही हो गया, दिस इज इक्वल टू वेट वन माइनस आर बाई आर, आर से आर कट गया, वन आ गया, और वन माइनस वन कितना होता है, पक्की बात है, तो इट विल मेक एवरीथिंग जीरो, दैट्स इट। के कौन से वाला पुत्र है बड़ा, आर से आर कट गया, वन माइनस वन, जीरो को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, खत्म, राइट। ये नोट कर लीजिए दो स्टेप्स, हो गया जी पुत्र, कर लीजिए कोई बात नहीं। कितने पे बेल होती है,
चलेंगे आगे, कल वाला न्यूमेरिकल भी करवा दूं सॉल्व एक बार, 250 न्यूटन वाला। अच्छा वो दूसरी क्लास के लिए था, आपको बदल दिया था। ओके वैसे हमने कर रखा है कि किसी बॉडी का वेट वो अर्थ की सरफेस पे 250 न्यूटन है, लिख लीजिए फिर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 250 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 250 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैलकुलेट इट्स वेट एट ए डेप्थ डी इक्वल टू 1/2 ऑफ द रेडियस। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 250 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैलकुलेट इट्स वेट एट ए डेप्थ डी इक्वल टू 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। वेट एट ए डेप्थ डी, वेट ऑन द सरफेस, कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी एट ए डेप्थ इक्वल टू 1/2 ऑफ द रेडियस। ये रुक जा एक मिनट, इधर ध्यान दो। डी की जगह पर ये पुट कर दो यहां पर, वेट एट ए डेप्थ डी, ये आ गया, आर इज गेटिंग कैंसल्ड। वन माइनस वन बाई टू कितना होता है, अरे वन में से हाफ माइनस कर दिया, कितना बचेगा, डरते क्यों हो फिर आप। वेट सरफेस पे कितना है, 250 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल और करवाऊंगा थोड़े से आपको। सो थैंक यू ऑल।